राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस वो वीडियो एडिटिंग की, फिर अपना कुछ काम किया और फिर मेरा कुछ वीडियो का काम आ गया था, वो करने के लिए लग गई थी। और वो करते करते मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हुई, आँखों में आँखें दर्द करने लग गई थी मेरी, क्योंकि सारा दिन फ़ोन का ही काम होता है। तो फिर ये हुआ कि सो जाऊं बस, क्योंकि ना बिल्कुल चक्कर आने को हो गए थे। तो फिर अपने फटकार के सो गई, मैं उठी फिर 4:30 बजे। और 4:30 बजे उठ के बस अपना चाय पानी पिया, बच्चे आराध्या तो स्कूल में कह रही हूँ, ट्यूशन पर चली गई है, जय पता नहीं नीचे जा रहा, जय गायब है, वो भी सो गया था आकर के स्कूल से मेरे पास में ही। और बस फिर मेरी बुआ आ गई थी, जो मतलब फुफ्फस होया कर वो, तो बैठे रहे। और भाई कई बार कमेंट आवे कि आप अपनी बुआ सास को नहीं बुलाते क्या, फिर उसके सूट नहीं दिखाते, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है ना तो मैं सुमन के तो दिखा देती हूँ, लेकिन उनके नहीं दिखा पाती। दिखाने का उनका ये रीजन है कि वो आती 5-7 मिनट के लिए है, जैसे अब आज तो खैर वो रुकी हुई है, वरना ये होता है कि दिन दिन में आती, फिर 5 भाई हैं तो 5 भाइयों में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इस करके फिर आते ही कैमरा तो नहीं लगाया जाता सबके मुँह पे, लेकिन कोशिश करूंगी कि अब रहेगी तो भी अब दिखाऊँ आप लोगों को। और मास्टर जी लेटे हुए हैं। राम राम जी, कैसे हो? आज थोड़ी तबीयत में सुधार है, बाकी बीमारी की शोभा ना हो, क्योंकि बीमारी है नहीं, बस ताल ले लिया शरीर का। हाँ। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे उत्तम है। पता है क्या, हमें ये लगता है कि भाई ये चीज वो चीज हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन जब आदमी में बीमारी आवे ना, उसका शरीर में दिक्कत आवे, तो उसने नो है कि कुछ नहीं है दुनिया में, अपना शरीर है वही है ना मास्टर जी, लग रहा होगा ना पैसा, क्योंकि पैसा और खान पीन की चीज सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, अगर अपना शरीर ठीक है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। पहला सुख निरोगी काया, और बस और कोई सुख नहीं होता, मन्ना तो लग गया नहीं देखो कोई सुख, क्योंकि बाकी मैं बीमार कम ही पड़िया करूं, और बस जो ही पढ़ू नहीं मैं बीमार, फिर पक्का काम हो जाएगा। डेंगू वाला तो लिया आपका 2-3 बार है नहीं? एक बार तो जब मैं ज्यादा हो गया था उस जब तो मेरी 10,000 ही रह गई थी प्लेटलेट्स, उस साल तो ना बहुत दिक्कत हुई थी। साथ में तो मेरी नानी गुजर गई थी, मतलब मेरी माँ की, इनकी नानी मेरी नाना से, तो मेरी माँ तो वहाँ पर चली गई, इनका डेंगू होके प्लेट बिल्कुल है कम, मतलब उससे पहले तो मैं इशार ले गया, हमारे मास्टर जी हैं उनके हो गई थी दिक्कत, उनकी भी 10,000 प्लेटलेट रह गई थी, टोहाना से तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था भाई मुश्किल है बचना। फिर उनको ठीक करा के ले आए, 2-3 दिन हुए थे, दिवाली का त्योहार सा था आसपास, फिर मेरा होगी, फिर जो हमारे मास्टर जी थे ठीक करवा के ले आए थे हम उनको, वो बोला चल उनसे अस्पताल में चल लागे, मैं ठीक होगा आ गया तुम भी ठीक हो जाएगा, मैं बोला ना जी इतने महंगे अस्पताल में वो नहीं ठीक। और उस टाइम पे ना सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि ना तो मेरी माँ थी यहाँ पे, मैं गला तो स्कूल में जानती, गला सारा काम कर दी, और जय साल का था नहीं, साल का था, हाँ साल का था, लाले रह रहा था 15-20 दिन का रह रही थी, तो जय साल का दिन में तो खुआ पिया के सारा काम करके उसने जान दी स्कूल में, और मेरे का कर रख दे बेचारे कुकरे दुखी सुखी होके, फिर स्कूल में आए पीछे, फिर साथ में बच्चा साथ में सारे काम, बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम। 15 दिन में आया था मैं इशार था जो। हाँ ये पहले तो मास्टर जी गले चले गए इनके स्कूल के, जो टीचर है वे मालिक है, और फिर इनका खुद को हो गया, तो उस टाइम पे मैं अकेली रही थी। हाँ। रात ने भी 8-9 दिन तो इशार से आए थे, और 7-8 दिन मेरा बोतल टिक्के बिरानी के कोई लोग नहीं गई के, जब मैं गई गए थे जब, तो डेंगू में नहीं फूल मरे थे, डेंगू जब मैं पूरा फैला था बहुत। हाँ। बहुत लोग गए 3-1 साल पहला की बात है, टोहाना में तो 3 नहीं जय 7.5 साल का था, मैं स्कूल में लाग रही थी जब, वे जय ही हो जाएगा 7 साल का। हाँ 5-1 साल पांच, हो गया, 5.5-1 साल पहले की बात है, फुल डेंगू मैच चला टोहाना में, जो है डॉक्टर नहीं उनकी फुल कमाई हुई थी। फिर मामने ने सोचा था उस टाइम भाई जो ठीक होंगे नहीं एक अस्पताल खोलांगे, फिर मामने ही साल हो गया अस्पताल खोल रखे है, बढ़िया चला रखे है, 5 मंजिला हॉस्पिटल है कृष्णा के नाम से, बाकी हमारी सारी चीजें ही कृष्णा के नाम से हैं, है ना, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, KM स्कूल है हमारा, कृष्णा अच्छा है लगा लो सारा, बढ़िया मेडिकल है, तो सारी यही चीजें।
और ना कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सी वो नहीं हो जाएगा रहे, अपना अपना सा ज्यादा हो रहा है। मैं भी नू को लगता भी किसी और के स्कूल में जाओ है, फैमिली अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि पहला कोई भी काम मामे सोचा फिर मामे करा, अच्छा लगा मामने, और ऐसा नहीं होता भाई सवेरे 8 बजे स्कूल का टाइम है तो 8 बजे पहुंचना, 7:30 बजे पहुंच गया मामे, ये नहीं होता भाई 2:30 बजे छुट्टी होगी तो 2:30 बजे मोटरसाइकिल, कई बार तो बिल्कुल रात में भी मारी, कई बार रात ने 10, 11, 12 भी बजे हैं। तो ऐसे हुआ है, काम अपना समझ कर करना चाहिए कोई भी काम हो। बाकी हमारा होता यही है, जहाँ पे भी हम काम करते हैं ना अपना समझ, हम ये नहीं सोचते भी हमने तो ड्यूटी करनी है फॉर्मेलिटी मारी। कोई भी है जहाँ पे मैंने भी काम किया है कभी तो अपना समझ के किया है, और ये भी ऐसे और है। अगले भी हमें इतना ही मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, अपना समझते हैं। बस जी 5 मिनट 6 मिनट की होगी वीडियो, तो चलो मैं काम लग जाऊँ भाई, मशीन मैंने लगा दी है और कोई नहीं शेयर करियो आप बात कराने जी फिर। हाँ क्योंकि ना फिर बात बात है में व्लॉग निकल जाएगा, फिर कुछ लोग भाई बात ना ज्यादा पसंद नहीं करते, और इनका खांसी की दिक्कत ज्यादा हो रही है साथ में। नुआ जी खांसी तो बस न्यू है, हो जाएगी ठीक, सब ठीक होगा। आप आराधन लेकर जब मेरा स्टैंड लिया होगे। हाँ स्टैंड लिया होगा फिर घूम घूम आए जाना अच्छा सा होने लगता अपने भी सुनने में। और एक मेरे जो तो पैर के बर्तन है वो रह रहे हैं, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ और काम लग गई थी, तो ई मैं अपने जो काम है वो फटाफट तय निमटा लू। कितने ले जाए पकड़ लेगी उनकी ले आओगे घटका तो कोने फिर भी ले जाते तो भी केला खा लू मैं फिर लागूंगी काम के। और गर्मी ना जितनी बूंदी गर्मी हो रही है तो मैं छेड़ी हुई पसीने आया करा वाह वाली ईब की तो लाइट आ गई नहीं जद होया करा। मैं तो एक काम करा करूँ जो कोई बर्तन साफ करने हैं बर्तन साफ करके फिर पसीने सुखाने जाऊंगी ऐसी मैं बैठ के 5-7 मिनट और फिर जो कपड़े धोने होंगे नहीं छोड़ने बुरश लगानी वो काम करूंगी सुखाऊंगी फिर बीच में फिर एक काम करके बैच के कर जाऊंगी फिर बैठूंगी क्योंकि लगता काम बनता है कोई गर्मी में पसीने इतने आ जाए है। खा लो आप लोग भी न तो सोचियो ना भाई, पर वही बात है कि आप तो खाया जा रहा है ना पास में होंगे तो न्यारा दे उठा के ये तो बस वहां दरमान तक कहूंगा खा लो। तो बर्तन धोए उस टाइम तक ये जो कपड़े हैं वो भी धोगे थे, 2-3 चक्कर इन मां लिए हैं क्योंकि स्कूल वाले थे ना इनकी ड्रेस थी और बच्चे की ड्रेस थी तो फिर 2-3 चक्कर लगवा दिया करूँ मैं इनमें तो। और ये बस इन अपना पानी में को खंगाल के और सुखा दूंगी। और आराध्या आ गई है ट्यूशन पे तय, तो ईवीओ जो टाइम है वो है लगभग मेरे हिसाब से 9:30 के आसपास का रात का, क्योंकि बीच में क्लिप को नहीं निकाली मैंने, फ़ोन आ गए थे 2-3 तो फिर मेरे पास एक ही फ़ोन है भाई, इसमें चाहे फ़ोन सुन लो और चाहे इसमें वीडियो बना लो तो इस करके तो खाना पीना हमारा हो गया है। और आज हमने बनाई थी अमरूद की चटनी, सब्जी को नहीं बनाई क्योंकि ना कदे कदार तो मन करे भाई चटनी के साथ में जल्दी भी बन जावे और फिर थोड़ा सा अलग सा भी हो जावे हम। और वैसे मन तो मेरा नमकीन चावल का था, फिर चटनी भी बना ली थी मेरी माँ ने अमरूद की, तो फिर हमने सोचा कि चलो रोटी ये बना लें। तो इब खाना पीना करके थोड़ी देर बैठ गए थे, इब मैं आ गई हूँ वापस तक फिर किचन में, और जो दूध है वो गर्म होना रख दिया है क्योंकि दूध आज हमने ज़्यादा बांध लिया, वैसे तो हम मतलब 2 किलो लेके आया करते लेकिन उसमें हमारा काम को नहीं चलता, तो 2 किलो शाम ने ये ईब जड़ा है राधे ट्यूशन पर जावा है उनका बांध दिया है, और 1/2 किलो और मेरी माँ आज और भी फालतू ले आई थी किसे कहते हैं, तो 4.5 किलो दूध हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी जो दही है ना वो जमा दूँ, और ये बस ये जो लस्सी है वो डाल ली है कटोरी में, और साथ में मैं बनाऊंगी बनाना शेक। तो जो है काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन उस टाइम पे ना बर्फ़ को नहीं थी, तो फिर बर्फ़ बिना तो अच्छा सा कोने लग गया क्योंकि भाई ठंडा ही अच्छा लग गया है। तो देखो इस पे ना इंतज़ार नहीं हो रहा, बिल्कुल खुश हो रहा है ऐसे।
ये भी जो ट्रे है इसमें मैं पानी डाल के रख दूंगी, क्योंकि बर्फ मैंने निकाल ली थी, तो फिर जरूरत पड़े जावे, वैसे तो कोनी पड़ती है, लेकिन कई बार जैसे मैं कोल्ड कॉफी बनाऊँ तो उसमें जरूरत पड़ जाए, या जैसे शेक वगैरह बनावा तो उसमें जरूरत पड़ जावे है। तो ये बर्फ भी रख दी है हमने, और यहाँ पे जो दूध है वो गर्म हो गया था तो छलनी रख दी है उसके ऊपर, ताकि भी ठंडा हो जाए, ठंडा होने पीछे फिर मैं इसकी जो दही है वो जमा दूंगी। तो ये मास्टर जी देने लाग रहे हैं प्लांट्स में पानी, और मैं देख लाग रही थी कि भाई बारिश के ढंग हैं कि, तो फिर लागत तो था क्योंकि कोई भी तारा नहीं दिख रहा था इस टाइम पे। और बस ये पानी दे देंगे, और जो बनाना शेक वो हमने पी लिए हैं। और भाई कई बार जैसे स्पेशल बताना पड़ा है कई बार कमेंट आ जाए कि आपने अपनी माँ को नहीं दिया, सासू माँ को नहीं दिया, तो भाई सासू माँ आए तो दिया है, क्योंकि देखो ये तो पिया कोनी, क्योंकि इनका तो खांसी की भी दिक्कत हो रही है, और वैसे भी भाई डाइट भी चल रही है इनकी, तो फिर केड़ा तो ये वैसे भी कोनी खाते। तो फिर हमने चेहरा का बनाया था दोनों बच्चे, मैं और मेरी माँ, मेरे काका ने भी नहीं पीना होंगे। तो इब आ गई हूँ अंदर, और बारिश का ढंग लग गया था मैंने कि बारिश आस के है रात में, तो कपड़े बाहर नहीं छोड़ सकती, तो फिर कपड़े मैं उतार लाई हूँ बाहर तय, और ही भी यहाँ पे बस कुछ बेड पे सोफे पे मेज़ पे नुएँ फैला दूंगी, और जो पंखा है वो चला दिया अगर ना तो सूख जाए हैं। और कई बार कमेंट आवे कि बेबे जो स्टैंड है वो ले ले कपड़े सुखाने का, तो इतनी कोई खास जरूरत कोई पड़ती ये स्टैंड स्टूंड तो बेबे सहर आगे हुए हैं, मतलब भी जी तब बाहर जगह कम हुआ है तो बाहर बतेरी जगह पड़ी कपड़े सुखाने की, क्यों हो गया बारिश के मौसम में लगा लो, और बारिश में भी अगर ड्रायर करें पीछे फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, पंखा चला दें हाँ तो आराम से सूख जावे हैं। और ये भी यहाँ पे ये बॉक्स रखे हैं खाली, क्योंकि सामान तो इनमें तो निकल लिया है, कुछ में रह रहा कुछ का निकल लिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हें अपने खाली करके जो उनसे यहाँ रखन के यहाँ रख लूँगी, बाकी नीचे रखे आवेंगे, क्योंकि अच्छे से कोने लाग दे नू रखे, कई दिन के रखे हैं ये। तो कल कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी भाभी को सूट क्यों नहीं दिए, और उसके चैनल पर भी मैंने देखे थे कई कमेंट कि भई आपकी ननदों ने आपको कुछ नहीं दिया क्या, तो देखो उसका रिप्लाई तो वाह करेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बात देखो बोल के नहीं बुलवाई जाया कर दी। और भाई मेरा ऐसा है देखो, आज तक जो मेरे व्यूवर्स हैं अच्छी तरह वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है मैंने आज तक कभी भी किसी को कुछ दिया है वो दिखाया नहीं है, ठीक है ना, कभी किसी फ्रेंड को दिया है, कभी किसी के शादी में गए हैं चाहे हम कितना भी कुछ भी लेके गए हाँ, या फिर कभी हमारे घर कोई आया है हम किसी के घर गए हाँ, सिर्फ एक मैं अपनी ननंद के सूट दिखाऊँ हूँ, बाकी मैंने कदे भी किसी का दिखाया को नहीं है कुछ भी। तो इस करके जब वह मेरे पहली बार आई थी मैंने उससे सूट दिया था, और बाकी लेंदे देंदे रहा वहाँ, इसी कोई बात नहीं कि भी भाई भाभी हैं तो उन पर लेना ही है देना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं भाई भाई चाहे कितनी भी उसने है मतलब थोड़ी सी स्थिति खराब है उसकी, और बाण जमा मौज कर रही है, नौकरियां में है, बढ़िया है जुगाड़ सारा सिस्टम, लेकिन फिर भी वो उम्मीद रखे है कि भाई भाई मामने दे जावे नू कर दे, तो आप ऐसी कोई सोच नहीं रखते, ठीक है, एक टाइम पर भाई ने भी देना पड़ जाए भाई, एक टाइम पर बाण ने भी देना पड़ जाए, ठीक है। तो इब जब बराबर इब हम कमाना भी मारे दनू बच्चे सेम है मन आराध्या जाए, तो इसका मतलब यूँ थोड़ी है भाई हम उसने ब्याह देंगे यार, हम फिर किसी भी स्थिति में हाँ भाई वो तो पराई है वो हमारी किसी तरह तो हेल्प नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, जब हम उसने पढ़ावांगे लिखावांगे उस पर खर्चा लावांगे उसने पालांगे उसने बेटे की तरह रखा हाँ, तो उसका भी तो कुछ फर्ज बनेगा ना। तो ये सारी बात है, हम अलग सोचते हैं, सबसे अलग सोचते हैं। और देखो दिखाने में मैंने थोड़ा सा नू लगा है भाई, नू कह देंगे दिखा के देवे है तो वह बात थोड़ी सी अजीब सी हो जावे है, बाकी हर मौके पे आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने कभी नहीं बताया, कोई भी मेरे घर में फंक्शन हुआ है जैसे आराध्या का बर्थडे था 21 सूट मेरे लग गए थे आराध्या के बर्थडे पे, और यो नहीं है भाई वैसे उठा के दे दिए थे, बढ़िया पढ़वा के ले आए थे 4-5, तो मैंने बिल्कुल खड़े पैर मंगवाए थे, क्योंकि कई बेबियों का मैंने बेरा को नहीं था भैया अभी जाएंगी कि एकदम तो सरप्राइज मिल गया था, कई का नू हो जाए भी कि फिर आवेंगी ना आवेंगी आवेंगी ना आवेंगी, तो उस चक्कर में और बढ़िया करा था सारा सिस्टम, जय के बर्थडे पे भी नुए था और मुहूर्त पे तो रिश्ते भी ज़्यादा लगे थे, क्योंकि जो भी बंदा आया था नहीं मेरे घर में कोई भी आया वो मैंने सब तलिया दिया था, तो वही फुल खर्चा करा हाँ, बच्चे के बर्थडे हो या कोई और खुशी का मौको नू नहीं है भाई ले लेके बैठ गए हाँ, वो अलग बात है कई लोगों ने नू लग गया है भैया दिखा दे है ले उड़ार दे या को नहीं इसने लिए ले लिया, क्योंकि कमेंट भी आए हैं पहले, पर कोई बात नहीं अपने उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी मेरा आए हैं उनने सब न पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो यह बात है, तो चलो अब इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि लंबी हो जाएगी, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।